ऐसे बात बात पर औरत पे हाथ उठाने वाले मर्द नहीं होते। मैं अपनी बीवी के साथ जो मर्जी चाहे सलूक करूं, एक दहेज दासी का कोई अधिकार नहीं होता बीच में आने का। और तू गहने और पैसे नहीं देगी ना तो कोई बात नहीं, मैं तुझे ही दाव पे लगा दूंगा। चल ये क्या कर रहे हैं? अरे शर्म ना आ रही है आपको? ये सब क्या बोल रहे हैं? कोई दहेजदासी नहीं हूं, मैं अनुषा हूं। मैंने बस कल रात उस दहेजदासी के कपड़े पहन लिए थे। तुम्हें वो दहेजदासी पसंद है ना जय? तो आज उसी के रूप में मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। जो भी हो, आज तुझे मारने का हुक्म मिला है। नो, छोड़ो। बड़ी कोर से रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप अपनी बीनी को जुए में दाव पे लगाने जा रहे हैं। ये कोई सामान नहीं है, आपकी बीनी है ये। चुप। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ भैया, मैं कोई तो सासी नहीं हूँ। मेरे यकीन कीजिए प्लीज। चुप। हेलो। तो गलत छोरी को उठा लेके, वो दहेज दासी तो अभी भी अठे मारी हवेली में ही है। ये क्या कह रही हो आप महा सरपंच साहब? ये मैं हूँ आंटी जी, अनुषा। ये मुझे आप पकड़ ले आए हैं। अनुषा, मुझे मारने वाले आंटी जी, इन्हें रोक लीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। हमारी बात ध्यान से सुन, उस छोरी को हाथ भी ना लगाना और अपना पता भेज, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। ये अनुषा कटे फंसी जो जी साल ने किसी को बोला कि उसे हाथ भी ना लगाना और अभी हड़बड़ी में कटी जा रही है। ये कारनामा तो पता लगाना पड़ेगा। ये तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसका मैं बराबर बता दूंगी। एक बार मेरे हाथ खुल जाने तो फिर देखना कैसे मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ती हूँ। चमड़ी तो थारी उधेड़ी जाएगी अनुषा, बावली हो गई है। आज थारी वजह से वो दहेज दासी फिर से हमारे पंजों से निकल गई। दहेज दासी के कपड़े पहन के जय के कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करती हूँ आंटी जी, तो मेरी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं रहा था। हर दिन उस दहेजदासी को ही देखता था। मैंने सोचा उस दहेजदासी के कपड़े पहन के उसके रूम में जाऊंगी, शायद इसी बहाने उसके करीब जाने का मौका मिल जाए। लानत है तारे ऊपर, उस दहेजदासी को हराने के वास्ते सारी हदें पार करके तुम्हारी हवेली आई थी ना, तो अब क्या हो गया? इतना मजबूर हो गई कि दहेजदासी के कपड़े पहनने पड़े तने? आंटी जी, गलती हमारी ही थी। दहेज दासी को हमारे बेटे के जिंदगी से दूर करने के वास्ते थाने से मदद मांगी। आंटी जी, आपके बेटे को उस दहेज दासी के चंगुल से आज भी सिर्फ मेरा प्यार ही बचा सकता है। एकदम चुप। कौन कोई के सुन ले? ताकत जब घमंड बनकर सर चढ़ जावे ना, तो इंसान मैं करके नाचता फिरता है और उससे होता कुछ ना है।
अजय को तो मैं भी पाना चाहती हूँ ना आंटी जी। आपके पास कोई और रास्ता है तो बताइए मुझे। सच आप भी जानती हो और मैं भी, इससे हमारा आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जीसा और अनुषा एक ही पार्टी में? एक बार ये वीडियो जय बना देख ले, उसके बाद उनके सामने आएगा उनकी प्यारी मासा का असली चेहरा। उसके बाद होगी मौर बेटी की घमासान युद्ध, और जिस आग में मैं अपनी रोटी सेक लूंगी। उसके बाद तो जय बना हवेली से बाहर, और फिर क्या है, मारा बेटा बनेगा इस हवेली का वारिस, और सारी जायदाद उसके नाम पे। ये रहा मेरा 20,000 की दाव। मेरी जेब अभी तक खाली नहीं हुई है, अभी मैं और दाव लगाऊंगा, और अब मैं पैसे या गहने नहीं लगाऊंगा दाव पे, दाव पे लगाऊंगा अपनी ये बींदनी जो किसी काम की नहीं है। नहीं नहीं सारा जी, ऐसा मत करिए, ये अनर्थ मत करिए। घर की इज्जत को आप ऐसे बाजार में दाव पे लगा देंगे। आपका भी हाथ जोड़ के मुझे घर लाने पीछे मत करिए ऐसा। एकदम चुप। आज तू इन सब लोगों का मनोरंजन करेगी। इस बाजी को तो जीतने में अपना ही मजा आएगा। औरत कोई सामान नहीं है। जिसे जुए में लगा दिया जाए। चुनरी, अच्छा हुआ तू भी यहाँ चली आई दहेज दासी। आज यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो औरतें दाव पे लगेंगी। बागी और बड़ी लगेगी। औरतों का सबसे बड़ा हथियार होता है काली मिर्च वाला स्प्रे। इजाज़त जाइए यहाँ से, मैं भी रोकती हूँ। ना चुनरी, मैं सिर छोड़ के नहीं जाऊंगी, इन भेड़ियों के बीच अकेला छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप गुमारी सौगन, आप जाइए यहाँ से। सुन मैंने, आज तेने सबका मूड खराब कर दिया। अरे घमंड, आज चूर चूर करके ही रहूंगा। औरतों की इज्जत की बात कर रही थी ना तू, हाँ? राशि को भगाया तूने यहाँ से, अब तू लगेगी दाव पे राशि की जगह। और जो भी कोई ये दाव जीतेगा वो आदमी करेगा तेरी इज्जत नीलाम। अब मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है इधर। कैसे बचूं? हे माता जी महाराज, अब आप ही मेरी रक्षा करो। हे मारी मातेश्वरी, इतने पाप करने के बाद तो भगवान जी भी आपकी पूजा स्वीकार न करेंगे जीजा। मंदिरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मारा ध्यान भंग कर दिया। जी सा, मारे को धमकाने की जगह ना कम से कम शुक्र मनाइए कि मैं सीधे जय बन्ना के पास ना गई आपकी सच्चाई बताने के लिए, कि आप और अनुषा दोनों मिलकर उस दहेज दासी को घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालने की साजिश कर रहे हैं।
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जी सा, भड़क क्यों रही है? मारे और मारे मोबाइल ने ना आपके सारे कारनामे अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया। क्या चाहिए तुम्हें मंदिरा? उस अनुषा को ना मारे बेटे सारांश की होना होगा, ताकि उसकी सारी जायदाद मारे बेटे सारांश की हो जाए। उस अनुषा के संग तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। वैसे भी उस शातिर छोरी में मारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हो गई बात? हाँ। मिटाओ जे वीडियो। जी जी सा, जे तो मोबाइल खुली नहीं ना। देखिए। लाओ। तो जय का फोन है। जय का फोन क्यों है तुम्हारे पास? मारी को लगता है जीसा, मैंने अपना फोन चार्जिंग में लगाया था और फिर वहां से सीधा यहाँ लेके आ गई। मारी को लग रहा है जय बन्ना गलती से मारा फोन ले गए और उसी में आपकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी। जीसा, जय नहीं हो सकता। जय गलती मारे बहुत महंगी पड़ने वाली है। कुछ भी हो जाए, वो वीडियो हमारे जय के हाथों ना लगनी चाहिए। ऐसा हो गया तो कोर नर्द हो जाएगा, हमारा बेटा हमारे से दूर हो जाएगा। चुंदरी नहीं तो क्या हुआ, अपने भाई के हाथों से खा लो। नहीं भाई, गुड्डी 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 से खाना है। चुंदरी, सानी कहाँ चली गई? चुंदरी, उसको पता है कि दीदी उसके हाथों से खाना खाती है, तब भी गायब हो गई। फोन करता हूँ उसे। चुंदरी को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है। चुंदरी को क्या हुआ, कहाँ है वो? उसने मैंने तो अपनी सौगंध दे करके भेज दिया, पर वो वापस गई। उसे बचा लो। भाभी सा, आप दीदी को संभालो, मैं चुंदरी को लेकर आता हूँ। गुड्डी, जीत गया मैं। ये सारे पैसे हुए मेरे और ये दहेज दासी मारी हुई। कौन सा भगवान के वास्ते मैंने छोड़ दो। छोड़ दो भाई, भगवान के वास्ते इन्हें बोले ना मैंने छोड़ दे। ज्यादा नखरे मत दिखा दहेज दासी, तेरे हाथ पैर चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा इधर। जय का बच्चा कहां से आ गया? सारा सारा मूड किरकिरा कर दिया इसने तो। इसको छोड़ना मत, मार इसे। आपको हर तरीके से समझाया, बार बार मौका दिया, फिर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इस घर की इज्जत को या दांव पर लगाने के लिए आ गए। जय तुझे तो मैं छोड़ से। कुछ नहीं होगा तुम्हें, होना ना यहाँ।
कुछ नहीं होगा। तुम्हें शौक है ऐसी मुसीबत में पड़ने का? शौक? अपनी इज्जत नीलाम कराने का, किस औरत का शौक होता है कुंवर साहब? पर मुसीबत में एक औरत का पल्लू पकड़ने का बहाना ढूंढती रहती है, और हम लोग अपना पल्लू बचाने की कोशिश करते रहते हैं। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। I'm really sorry. अरे आप सॉरी मत बोलिए, बल्कि मैंने थैंक यू बोलना चाहिए था, पर मैं ना थैंक यू नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज मैंने सीखा है कि दोस्ती में कोई सॉरी नहीं, कोई थैंक यू नहीं। आपने भी तो मेरी जान शेविंग की है, लाइए दीजिए ताली। शेव नहीं, सेव होता है। घर चलो या और लड़ना है? हे माता जी महाराज, ऐसे ही कुंवरसा के मन से हमारे वास्ते सारी नफरत मिटा देना, ताकि मैं उनके मन में अपनी प्रीत की मेहंदी सजा सकूं। ये क्या कर रहा है तू? और ये हाथ भी सूजा हुआ है, कट्ठे से मारपीट करके आ रहे हो? पापा साहब, मैं अभी आपका किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं तो वो जय मेरी जान ले लेगा। कांड कर दिया तूने, जो जय सारी जान ले लेगा, और जिसके डर से तू गांव छोड़ के भाग रहे हो। पापा साहब, अभी मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, अभी अभी बस मुझे जाने दो आप। अरे रब, रब छोरा, अरे तो बता कट्ठे जा रहे हो? रे छोरा, अरे बता तो सभी। कट्ठे जा रहे हैं ये, ऐसे बैग बैग पकड़ के? अरे मन्ने के पता कट्ठे जा रहे हैं, के कांड करके आए हुए हैं, जो ऐसे बूछ भागे भागे जा रहे हैं। पुलिस जी, इंस्पेक्टर साहब, यह रहा आपका मुजरिम, अरेस्ट है। के तमाशा लगा के रखा है। पुलिस क्यों आई है हमारी हवेली में? जी साहब, देखिए ना कैसे कलयुग आ गया है। जयबन्ना इधर है, दासी के साथ मिलकर अपने ही भाई को जेल भेज रहे हैं। जी साहब, ये दहेज दासी ने तो जयबन्ना भी पता नहीं क्या जादू कर दिया है। इन्हें कोई भी रिश्ते की कोई मान मर्यादा कोई इज्जत ना रह गई है। सही कहा आपने काकी साहब, कलयुग ही आ गया है।
तभी एक पति अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा के आ गया। और हारने पर उसे भूखे भेड़ियों के बीच छोड़ आया। तब तो आपने अपने बेटे की करनी पे उंगली नहीं उठाई। अब जब उसे इस घिनौने अपराध की सजा मिलने जा रही है, तब आपको अपना बेटा याद आ रहा है, उसकी करनी नहीं। राशि भाभी साहब, भाभी साहब बाहर आइए। भाभी साहब, इंस्पेक्टर साहब आ गए। आप इनको अपनी सारी सच्चाई बता दीजिए। बता दीजिए कि सरांश भाई साहब आपके साथ क्या क्या किया। राशि भैया, आप बिल्कुल मत घबराइए, अपने आप को संभालिए। कोर्सा है ना आपके साथ, आप पुलिस जी को सब कुछ सच बता दीजिए। ये कैसे बड़े कोर्सा ने आपको भूखे भेड़ियों के बीच सौंप दिया था। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.